कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे डोमिनोज का चोकोलावा केक। चोकोलावा केक बनाने के लिए हमने बॉनबॉन बिस्किट लिए हैं। हम कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट वाले। ये चॉकलेट इसकी निकाल देनी है और हमें बिस्किट यूज करना है खाली। कोई भी आप चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। सभी बिस्किट की चॉकलेट निकाल दी है। अब हम इन बिस्किटों का फाइन बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। ये हमारा फाइन पाउडर बन गया है बिस्किट का। अब हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। ये हमने गैस पे पानी रख दिया है। आप ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। आज मैं डबल बॉइलिंग करके मेल्ट करके दिखाऊंगी आपको चॉकलेट। इसको अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। ये हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब इस पे हम अपना ये कांच का और गैस को सिम कर देंगे। ये कांच का ही रखेंगे और इसमें अपनी चॉकलेट डाल देंगे। ये हमारी चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसे 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे। हम इसमें नमक डालेंगे। इसे चारों तरफ फैला देंगे। और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। और इसे ढक्कन लगा के अच्छी तरह गर्म होने देंगे। चॉकलेट ठंडी हो गई है। अब इसमें जो हमने ये अपना बिस्किट का पाउडर बनाया था इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। आधा कप दूध लिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये हमारा केक का बैटर बन गया है। हमें ऐसे ही रखना है ये। अब हम इसके लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। ये हमने सिल्वर बाउल लिया है। पहले हम इसको ऐसे एक बार मोड़ेंगे, फिर इसको दोबारा एक बार और करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये हमने एक ग्लास लिया है। ये प्लेन ऐसा ही होना चाहिए। फिर ये इसके ऊपर रखेंगे और इसके 4 साइड बना लेंगे। मोड़ के 4 साइड बना लेंगे। 4 साइड बन गई है इसकी। अब इन चारों को एक दूसरे की तरफ कस के मोड़ना है। ये केक का हमारा मोल्ड तैयार हो जाएगा। बाजार से भी आते हैं, आप बाजार से भी ले सकते हो सिलिकॉन के, पर मैं घर में ही बना के दिखा रही हूँ आपको। ये ऐसे ये बन गया है हमारा। और ये ऊपर की साइड को इसमें ही वो कर देंगे फोल्ड, ताकि ये हमारा रैप खुले नहीं, बोल्ट नहीं खुले। और ये हमारा चोकोलावा केक के लिए हमारा एक मोल्ड तैयार हो गया। इसी तरह आप और भी मोल्ड तैयार कर सकते हैं। तीनों मोल्ड तैयार हो गए हैं। अब एक मोल्ड लेंगे, ये अपना बैटर जो है ये इसके अंदर डालेंगे। आधे से कम भरना है। फिर ये एक चॉकलेट लेंगे, ये इसको सेंटर में बीच में डालेंगे। फिर ऊपर से फिर थोड़ा सा बैटर डालना है। ऐसे ही बैटर डालना है इसके अंदर। इसी तरह अपने सारे मोल्ट भर लेंगे। तीनों मोल्टों को इसी तरह भरना है। ये हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह गर्म हो गई, जो हमने नमक डाल के रखी थी। और ये हमारे मोल्ट भी तीनों भर गए हैं। अब आराम से, बहुत गर्म वो है, तो इसको एक प्लेट लेंगे स्टील की, जो इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह। और तीनों मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे और ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए बनाएंगे। बीच में एक बार चेक भी करते रहना है
और 20 मिनट बाद फिर गैस बंद कर देंगे। देखिए चोको लावा केक बन के हो गया तैयार। अब इसको बहुत ही आराम से निकालेंगे क्योंकि प्लेट भी गर्म होती है और ये भी गर्म है, तो थोड़ा देर ठंडा हो जाने दें उसके बाद इसको निकालें। बहुत आराम से खोलना ताकि हमारा केक टूटे नहीं। ये हमारे दोनों चोको लावा केक बनके हो गए हैं तैयार। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, देखिए चम्मच से। ये देखिए हमारा चोको लावा केक। ये देखिए इसमें से जो लावा निकल रहा है कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।